तो फाइनली दोस्तों मेरा जो पे नियर बाई में मोबाइल रिचार्ज ट्रांजैक्शन फेल हुआ था उसका रिफंड मुझे मिल गया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों 19 अक्टूबर को मैंने पे नियर बाई एप्लीकेशन से 179 का मोबाइल रिचार्ज किया था। इसके बाद से जैसे ही मैंने पेमेंट किया इसके बाद से मेरे बैंक अकाउंट से पैसा तो कट हो गया था लेकिन रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके बाद से मैं दोबारा से पे नियर बाई एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और दोबारा से मैं 179 का रिचार्ज कर देता हूँ। इसके बाद भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाता है लेकिन रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन मुझे रिचार्ज करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद से मैंने तीसरी बार पेटीएम से रिचार्ज कर लिया था, सक्सेसफुल हो गया था, नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो मेरा पे नियर बाई में दो बार 179 का ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, जो कि टोटल अगर आप करोगे तो 358 रुपीस होता है, तो ये रिफंड हमको कब मिलेगा और कितने दिन के बाद मिलेगा? अगर आपका भी इस प्रकार से रिचार्ज ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो अब आपको आगे क्या करना है आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपको रिचार्ज रिपोर्ट पे जाना है, इसके बाद से जो भी ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। वहीं पर आपको ट्रांजेक्शन नंबर और जो भी एरर आया है वो स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको ऊपर ही 3 लाइन में क्लिक करना, इसके बाद से कंप्लेंट एंड इंक्वायरी पे क्लिक कर देना। इसके बाद से आपको प्लस आइकन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो भी कंप्लेंट फॉरम है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद से आपको ऊपर ही मोबाइल रिचार्ज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से दूसरे वाले ऑप्शन में आप और दूसरी लाइन में आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड सेलेक्ट कर लेना है और तीसरी लाइन में आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बट बेनिफिट नॉट रिसीव इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको ट्रांजेक्शन आईडी डाल देना जो कि आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको रीमार्क में जो भी वहाँ पर एरर आया है वही आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद से आपको इसी का एक स्क्रीनशॉट ऐड करके और आपको जो कंप्लेंट है उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद से आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा एज ए प्रूफ के तौर पे। अगर आप पे नियर बाई कस्टमर केयर में कॉल करते हो या फिर वो लोग सामने से आपको कॉल करते हैं तो एज ए प्रूफ के तौर पे आप उनको कंप्लेंट नंबर बता सको कि हाँ मैंने कंप्लेंट कर दिया है, अभी तक मेरा जो रिफंड है क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार से आपकी जो कंप्लेंट है आपको दर्ज कर देना है। अब मैंने क्या किया था कि मैंने तो कंप्लेंट किया था, इसके बाद से मैं ट्विटर में गया था और जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट थे और कंप्लेंट के सब कुछ मैंने डायरेक्ट उनको मैसेज कर दिया था। इसके बाद से सामने से मुझे कॉल आता है और बोलता है कि आपकी जो कंप्लेंट है हमको मिल चुकी है, आप 24 से 48 घंटे वेट करिए और हमारी जो टीम है आपको अपडेट कर दीजिए। तो फाइनली मैंने 19 तारीख को मेरा जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ था और 24 तारीख को पूरे 5 दिन में मुझे मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड मिल चुका है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो।